हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्वाद का खजाना। सो इस वीडियो में आज हम बनाने वाले हैं एग करी। तो फ्रेंड्स, एग करी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ, और आपने मेरे हर वीडियो में देखा होगा कि मैं सारी डिशेस जो भी होती हैं मैं सब सिंपल मसालों के साथ ही बनाती हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आप सिंपल मसालों के साथ अच्छी और टेस्टी डिशेस बना के खा सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, एग करी के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं 8 अंडे, और इनको मैंने अच्छे से उबाल लिया है। उबालने के बाद मैंने इनको छील के रख लिया है, और अभी मैं इन्हें कट करूँगी। बाकी आप अपने हिसाब से अंडे ले सकते हैं कि आपको कितने अंडे की सब्जी बनानी है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये उबले हुए अंडों को कट कर लिया है, छोटे छोटे पीसेस में मैंने इनको कट कर लिया है। आप अपने अनुसार कैसे भी इनको कट कर सकते हैं, चाहे आप दो भाग में इनको काटें, चाहे आप कैसे भी अपने हिसाब से इनको कट कर लो आप, ठीक है, दो पीस कर लो चाहे चार पीस करके कट कर लो। तो मैंने ये छोटे छोटे कट किए हैं। और इसके बाद अब मैंने वेजिटेबल्स में ली हैं करी को बनाने के लिए 2 प्याज, 1 टमाटर और 4 हरी मिर्च, और ये थोड़ा सा लहसुन, और अभी मैं इनको अच्छे से कट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने सारी वेजिटेबल्स कट कर ली हैं, और इसमें मैंने प्याज है, हरी मिर्च है और लहसुन है, जो मैंने सारी चीज़ें एक साथ चॉप कर ली हैं। मेरे पास ये चॉपर है, जो कि मैं आपको हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि मैं सारी चीज़ें चॉपर में ही कट कर लेती हूँ, मुझे बहुत ईजी रहता है इसमें चॉप करना। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप हाथ से भी सारी चीज़ें ईजीली कट कर सकते हैं। बाकी इसके बाद ये टमाटर हैं, ये टमाटर मैंने हाथ से ही कट किए हैं, और ये थोड़ा सा हरा धनिया है जो कि मैंने धोने के लिए पानी में डाल दिया है कट करके। तो अभी हम बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैंने 2.5 चम्मच इसमें तेल लिया है, और अभी 1 चम्मच मैं इसमें जीरा डालूंगी, क्योंकि हमारा तेल गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें डालने वाली हूँ 1 चम्मच जीरा। तो हमारा जीरा पक चुका है, तो अब इसमें मैं डालूंगी ये प्याज, लहसुन और हरी मिर्च चॉप की। तो फ्रेंड्स, एग करी के लिए मैंने मसाले लिए हैं 1.5 चम्मच मैंने मिर्च ली है, और 2.5 चम्मच मैंने नमक लिया है, और 1.5 चम्मच मैंने पिसा धनिया लिया है, और 1 चम्मच मैंने हल्दी ली है। और अभी इन मसालों में मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको घोल लूंगी मैं अच्छे से। ये देखिए, ये मसाले ऐसे मैंने इसको घोल लिया है। और फ्रेंड्स, हमारी ये प्याज हैं जो ब्राउन हो चुकी हैं, अभी इस प्याज में मैं ये घुला हुआ मसाला डालूंगी। इस मसाले को हमें अच्छे से पकाना है, जब तक हमारा मसाला थोड़ा तेल ना छोड़ दे, तेल ऊपर ना आ जाए, तब तक हमें ये मसाला थोड़े अच्छे से पकाना है, ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से पक जाए। तो फ्रेंड्स, हमारा जो मसाला है वो पक चुका है, अभी इस पके हुए मसाले में मैं डालूंगी टमाटर। तो फ्रेंड्स, हमारे टमाटर हैं जो मैंने इनको 1 मिनट तक पका लिया है, और ये अच्छे से पक चुके हैं, और अभी मैं इसमें डाल दूंगी 1 छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च, ताकि जिससे हमारी सब्जी का जो कलर है वो बहुत अच्छा सा आ जाए, और दिखने में हमारी एग करी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगे। तो कश्मीरी मिर्च डालने के बाद मैंने इसको 1 मिनट तक पकाया था, और हमारा जो मसाला है वो अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने पानी डालने के बाद इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से उबाला था, और कितने अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए अंडे। तो कटे हुए अंडे डालने के बाद हमें इसे 1 से 2 मिनट तक बस अच्छे से इसको उबाल लाने तक, और अच्छे से इसको पकाना है बस। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारी अंडा करी बनके तैयार हो चुकी है, और ये कितनी अच्छी बनी है। और अभी हम इसमें बनने के बाद तुरंत ही हम इसमें थोड़ा सा ये मैं गरम मसाला ऐड कर दूंगी, और इसको अच्छे से चला के और ढक देंगे, और फिर 1 मिनट बाद हम इसे अच्छे से सर्व करेंगे।
तो फ्रेंड्स हमारी ये अंडा करी बनके तैयार है। तो आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी बनी है और ये दिखने में भी कितनी अच्छी है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और फ्रेंड्स मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से एग करी बनाती हूँ, जो कि मैंने आपको आपने मेरी वीडियो में देखा होगा। मैं बेहद ही सिंपल मसालों का यूज़ करती हूँ, ज़्यादा स्पेशल कोई मसाले यूज़ नहीं करती। तो आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा टेस्टी बनी है और देखिए तरी भी इसकी कितनी अच्छी आई है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।